कई लोगों को शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है भारत माता की जय करने में। जोर से बोलेंगे, मुट्ठी बंद करो सारे जने, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी का, पूर्वी दिल्ली का यहाँ पे ऑफिस खुलने जा रहा है। आतिशी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज से लगभग सवा चार साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। आप लोगों ने दिल्ली की सातों सीट, सातों सांसद भाजपा को जिता के भेजा था। यही सोच के जिता के भेजा था ना, कुछ करेंगे आपके लिए, बताओ, यही सोच के भेजा था। उसके 6 महीने बाद दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए। आपने हमको, आम आदमी पार्टी को, 70 में से 67 सीट देके दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी। तो एक तरफ आपने भाजपा के सातों सांसद चुने, दूसरी तरफ आपने दिल्ली में 70 में से 67 सीट देके हमारी सरकार बनाई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव का टाइम आया है, दोनों में से किसने ज्यादा काम किया आपके लिए? भाजपा के सांसदों ने काम करा कि दिल्ली सरकार ने काम करा? यहां इतने सारे लोग खड़े हैं, इसमें 2-4 बीजेपी वाले भी होंगे। कौन कौन है बीजेपी वाला? एक हाथ खड़ा हुआ है, नहीं है, वो भी यूं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सातों सांसदों ने मिलके पिछले 4-4.5 साल में कोई एक काम आपको याद आ जाए जो इन्होंने करा हो, कोई एक काम? अड़चन अड़ाई है बस, वो सबको याद है। इन्होंने अड़चन अड़ाने के सिवा कोई काम नहीं करा। कोई एक काम बता दो जी, किसी की गली बनाई हो, किसी की सड़क बनाई हो, किसी को राशन दिलाया हो, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बन, कुछ काम, छोटा काम भी करा हो इन्होंने सातों ने मिलके? एक काम नहीं करा इन सातों ने। और दिल्ली सरकार ने क्या करा? आपके बिजली के रेट कम करे, नहीं करे? किस किस के हो गए हाथ खड़े करो जरा से। आपका पानी मुफ्त करा, नहीं करा? किस किस का हो गया हाथ खड़े करो जरा से। आपके स्कूल ठीक करे, नहीं करे? आपके प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करी, नहीं करी? मोहल्ला क्लिनिक बनाए, नहीं बनाए? सारे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त करी, नहीं करी? इतने काम तो बहुत हैं। नहीं, 3.5 साल में और क्या करेंगे? तो दिल्ली सरकार ने इतने सारे काम करे और इन सातों सांसदों ने कुछ नहीं करा। भाई साहब, 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, एक ही काम करा, अपने एलजी के पास जा जा के, एलजी के पास जा जा के, जितने काम हम करते थे, मेरा दिल जानता है किस तरह से हम लोगों ने सरकार चलाई है। हर काम में टांग अड़ाते थे, हर काम में एलजी फाइल लेके बैठ जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए दिल्ली में? इन्होंने भाजपा के सातों सांसदों ने मिलकर एलजी साहब से कह के 2 साल तक भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर नहीं करने दी। 2 साल एलजी इनका फाइल लेके बैठ गया। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ।
जनता का नुकसान हुआ। दो साल तक इनका एलजी फाइल लेके बैठ गया मोहल्ला क्लिनिक की, ये काम करा इन सातों बीजेपी के सांसदों ने। हम सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ रोज गलत काम होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीसीटीवी लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? इनके एलजी ने सीसीटीवी की फाइल रोक ली, ये काम करा इनके सातों भाजपा के सांसदों ने। फिर मैं जाके बैठा धरने के ऊपर एलजी हाउस में, पढ़ा होगा आपने अखबारों के अंदर, कभी सुना था भारत के इतिहास में कि मुख्यमंत्री को गवर्नर के घर के अंदर घुस के धरने पे बैठना पड़े? मैं जाके धरने पे बैठा तब इनसे सीसीटीवी की फाइल क्लियर करा के लेके आया। अब लगेंगे आपके सारे सीसीटीवी, लगवा के छोड़ेंगे हम भी। इन्होंने हमारे स्कूलों की फाइल रोक ली, अस्पतालों की फाइल रोक ली, लेकिन हम भी हार मानने वाले थोड़ी हैं। सारी फाइल क्लियर करा के ले आए, धरने करके ले आए। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। सारे काम कराए, लेकिन आप सोच के देखो भाई साहब, अगर सातों के सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते तो जितने काम हमने कर रहे हैं, दस गुना स्पीड से काम करते। करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? क्या मिला आप लोगों को भाजपा को वोट देके? कुछ मिला? कुछ मिला वोट देके भाजपा को? कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को वोट देते, सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते, सौ गुना स्पीड से हम लोग काम करते। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी छोटे लोगों की पार्टी है, हमारे गरीब लोगों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की पार्टी है, दिल्ली वालों की सोचती है, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं सोचते। ये बीजेपी वाले सीलिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। भाई साहब, अगर ये सातों बीजेपी के सांसद मिल जाए, अगर ये सातों धरने पे बैठ जाए, मजाल जो सीलिंग हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये सातों क्यों नहीं बैठते? क्योंकि इनको ऊपर वालों ने, केंद्र सरकार ने कह रखा मजाल जो सीलिंग के खिलाफ आवाज उठाई। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इनके ऊपर वाली पार्टी ने कह रखा है। आज सोच के देखो, अगर सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते, संसद ठप करा देते, सीलिंग बंद करा देते दोस्तों। आज इन्होंने मेट्रो के किराए बढ़ा दिए। खुश हो मेट्रो के किराए बढ़ाने से? मेट्रो के किराए घटने चाहिए कि नहीं घटने चाहिए? गलत बढ़ाए इन लोगों ने। मैंने फाइल देखी है, फाइल आई थी मेरे पास, मैंने लिखा फाइल के ऊपर, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए मेट्रो के किराए, लेकिन ये बीजेपी की सरकार नहीं मानी। आज अगर सातों सांसद आम आदमी पार्टी के होते, मजाल जो ये मेट्रो के किराए बढ़ा देते दोस्तों। तो दोस्तों, ये खूब उल्टी सीधी बकवास करेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना। इस बार सातों के सातों सांसद आम आदमी पार्टी के बना के भेजो। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों की पार्टी है, दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। और देखो जी, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं, वो तो खत्म हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनावों में कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी, सारों की, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। नंबर तीन, पिछले चार चुनावों में नंबर तीन पे आ रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है, केवल वोट काटने का काम करती है। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत करना। एक और चीज है जी, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। तीन साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते, चार बजट बनाए हम लोगों ने, 50-50 हजार करोड़ के, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके सरकार में। अगर हम बेईमान होते, सारे ठेकेदारों को कह देते 1% पार्टी फंड में जमा करा देना। कहते हैं नहीं कहते ये सारे? हम भी कह देते 1% पार्टी फंड में जमा करा देना।
2000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास में, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके, 2000 करोड़ खर्च हो जाते, हम भी अच्छे 10 लाख का सूट पहन के घूमते, हमको क्या जरूरत थी, नहीं क्या जरूरत है इस तरह की फटी शर्ट और फटी सैंडल पहन के घूमने की। लेकिन दोस्तों ये करने नहीं आए थे, बेईमानी करने नहीं आए थे। अगर हम भी बेईमानी करते, 1% का फंड लेते, तो आपके बिजली सस्ती नहीं होती, आपका पानी मुफ्त नहीं होता, आपके स्कूल ठीक नहीं होते, फिर आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनते, ये सारा पैसा फिर हमारे पार्टी फंड में ही जाता। ये करने के लिए नहीं आए थे, जनता के साथ ईमानदारी से काम करने के लिए आए थे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब ये 7 सीटें जिताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपको घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे, घर घर जाके लोगों को बताना पड़ेगा, जैसा अभी गोपाल भाई ने बताया, मनीष जी ने बताया, ये बहुत सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, उन सारी अफवाहों को दूर करना है, आपको जाके बोलना है जी हमारी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी हमारी सोचती है, आम आदमी पार्टी को मजबूत करो, आम आदमी पार्टी को मजबूत करोगे आप मजबूत होगे, आप मजबूत होगे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। दोस्तों भारत माता की जय।